तो ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, लाइट्स निश्चित तौर पर आपको नजर आ रही होंगी, ये है टू रोटर्स चिनूक हेलीकॉप्टर और इनकी गर्जना आसमान में। निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है और देखिए कैरी भी कलकल ला रहे हैं और ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त पे आप देख रहे हैं। डबल रोटर्स, आवाज जरा इनकी सुनिए, यूएस मेड और इसके साथ साथ कैरी भी कर रहे हैं। क्या शानदार तस्वीर है, शिनूक हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और शिनूक हेलीकॉप्टर्स का जब भी हम जिक्र करते हैं लद्दाख में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लद्दाख में आपने देखा है कि किस तरह से, देखिए किस तरह से कैरी करके चल रहे हैं, एक आर्टिलरी जीप को भी कैरी किया हुआ है और एक बॉक्स को कैरी किया हुआ है। इसके साथ जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहे हैं कि लद्दाख में इनका रोल किस तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार वहां पर इस तरह की चीजों को जो है वो कैरी करना बहुत ज्यादा अहम रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि शिनूक का इस्तेमाल किया जाए और शिनूक का इस्तेमाल आप इस वक्त पे देख रहे हैं। वहां पर अगर आप ये इस ट्रिप में देखेंगे तो सेकंड लास्ट पोजीशन पर खड़ा हुआ है शिनूक, जो ये अभी अभी आपने देखा डबल रोटर्स वाला, और टन्स ऑफ वेट जो है ये कैरी कर सकता है, कमाल की इसकी कैपेबिलिटीज है और लद्दाख में इस वक्त पे इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसके साथ साथ C-130J हरक्यूलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत दिलचस्प है। ये देखिए A-64 अमेरिका के, लास्ट ईयर इंडक्शन हुआ था पठानकोट में, अपाची हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं, पांच की फॉर्मेशन में आए थे, फ्लैशेस इन्होंने छोड़े आने से पहले और इसके बाद आप इन्हें देख सकते हैं उस तरफ दिखे, और ये आप देख सकते हैं अपाचे A-64 हेलीकॉप्टर्स। लास्ट ईयर पठानकोट में इनका इंडक्शन हुआ था, पठानकोट में इंडक्शन के बाद ये जो है एलएसी पर भी ऑपरेशनल तैयारियों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से फ्लैशेस इन्होंने दी है सबसे ज्यादा मनमोहक दृश्य अब तक का, अगर आप देखें जो मनूवरिंग हमने देखी है, जो एयरक्राफ्ट हमने आसमान में देखे हैं वो निश्चित तौर पर तो दिलचस्प तस्वीरें। सबसे पहले हमने आपको शिनूक की तस्वीरें दिखाई, शिनूक जो कैरियर हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके बाद फाइटर हेलीकॉप्टर्स AH-64 अपाची। अपाची का मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर, वन ऑफ द मोस्ट। तो ये जो आप तस्वीरें इस वक्त पे आपने देखी C-17 हरक्यूलिस, लाइट वेट टैंक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ बड़े कैरियर है। इसके साथ साथ इन्हें जो है गजराज का भी नाम दिया गया है, कोट अनकोट इन्हें गजराज भी कहा जाता है। तो C-17 आपने देखे, C-130J यहाँ पर खड़ा हुआ है। इन दोनों की अहमियत जब आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं कि रसद, खाद्य सामग्री, ट्रूप्स को पहुँचाना है, लाइट वेपन्स को आपको पहुँचाना है, जिसमें टैंक सारी चीजें, इनको जब आपको पहुंचाना है तो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ, इन दोनों फाइटर प्लेन्स के साथ साथ जो है वो बहुत अहमियत इनकी बढ़ जाती है। अब एक और शानदार तस्वीर इस वक्त पे आप देख रहे हैं, तो ये एक और फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इसमें सुखोई, तो दो जो सुखोई हैं वो फ्लैंक कर रहे हैं, इसमें आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं बीच में C-130J है और ये तस्वीरें भी अपने आप में मनमोहक, जिस तरह से सूटी MKI फ्लैंक करते हुए, साइड में गार्ड करते हुए, ये तस्वीरें हमने रफाल जब भारत की टेरिटरी में एंटर किया था तब भी हमने देखा था कि किस तरह से सूटी MKIs जो हैं वो रफाल को गार्ड करते हुए लाए थे, फ्लैंक करते हुए लेकर आए थे। और अब एक और शानदार तस्वीरें आपके सामने बहुत जल्द, तो ये देखिए एक और दिलचस्प तस्वीर अब आपके सामने रखने वाले हैं, भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेगेसी आप जिसे कहें, भारत की MiG-21 Bison, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीर। MiG-21 को हमने अपग्रेड किया है, MiG-27, MiG-29 हमारे पास है, MiG-21 Bison जिसमें अभिनंदन वर्धमान लास्ट ईयर थे, ये देखिए एयर फ्लैशेस के साथ दिलचस्प तस्वीरें MiG-21 Bison की, कमाल की तस्वीरें MiG-21 Bison। इनकी खूबी, ओल्डेस्ट गार्ड्स तमाम आलोचनाओं से घिरते रहे हैं, लोग इनके बारे में कई तरह की बातें कहते हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स का अब भी कोई जवाब नहीं है। और अभी अभी हम आपको सामने की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये आना जाना जो है, ये आवाजाही जो है ये बंद नहीं होने वाली है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, सबसे पहले हमने आपको शिनूक की तस्वीरें दिखाई, फिर अपाचे की तस्वीरें दिखाई, और अब देखिए एक और तस्वीर पर उस विमान का है जिसकी बहुत, तो ये देखिए Su-30 MKIs Sukhoi-30 MKI, जब हम कहते हैं तो MKI का मतलब है मार्क्ड इंडिया, यानी इन्हें स्पेशली
उन्हीं तरह से डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया, लेकिन अभी भी सबको इंतजार है दसॉ कंपनी के फ्रांस से आने वाले रफाल विमानों का। रफाल विमान कब आएंगे इसका सबको इंतजार है। तो सूडीएम के आइज निश्चित तौर पर अभी अभी आपने देखे, लेकिन अभी ये आना जाना लगातार चलता रहेगा। अभी ये जो सॉडीज है ये आप देखते रहेंगे जो हम आपको रहे। ये सिलसिला जो है वो शिनूक हेलीकॉप्टर से हाल ही में शुरू हुआ, उसके बाद हमने अपाचीज को देखा, उसके बाद हमने C-130J हरक्यूलिस को देखा, इसके साथ साथ हमने MiG-21 देखा, उसके बाद हमने जिन Su-30MKIs को देखा। और जो इंतजार है वो सबसे ज्यादा जिस विमान का इंतजार है वो निश्चित तौर पर रफाल होने वाले हैं। रफाल का इंतजार इस वक्त में बेसब्री से सभी को। और ये रहा रफाल, ये रहा विजय फॉर्मेशन में सामने रफाल विमान। इस वक्त आसमान में गुम हो चुका है, आया और उसके बाद एक जेट टर्न ले लिया। रफाल विमान आपने निश्चित तौर पर इस वक्त देखा सब का। और ये अभी अभी हमने आपको दिखाया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इंडिजीनियस है, और अब सामने की एक और दिलचस्प तस्वीर आपके सामने आने वाली है। हर तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं, क्या कमाल की तस्वीर है। लगातार हम आपको अलग अलग विमान दिखा रहे हैं इस वक्त पे, भारतीय वायुसेना की ताकत कहीं ना कहीं। ये देखिए तेजस सॉडीज लगाते हुए जब आप अलग अलग मनूवरिंग करते हैं तो इसे जो लास्ट में इसने किया उसे कहते हैं जे टर्न, और जे टर्न लेता हुआ ये आगे जाता है। और ये देखिए क्या कमाल की आवाज आसमान में, निश्चित तौर पर अभी किलोमीटर्स दूर से इनकी आवाज निश्चित तौर पर आसमान में गड़गड़ा रही है। और निश्चित तौर पर अब एक और टर्न का इंतजार है, क्योंकि यहां पर ये लगातार राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आपको फ्लाइंग करते हुए दिखेंगे, सॉर्टीज करते हुए दिखेंगे। और तेजस इसमें जो है वो एक बार फिर खास तौर पर ये देखिए तेजस, ये देखिए शानदार मनूवरिंग करता हुआ इस वक्त पे आसमान में आप तेजस को देख रहे हैं। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का बनाया हुआ, और भारत की शान इस वक्त पे इंडिजीनियस। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिजीनियस होने का वक्त आ गया है, आत्मनिर्भर भारत की, और उसी की एक पुख्ता मोहर लगाता हुआ आसमान पर भारतीय वायुसेना से जुड़कर LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अकेले दम पर कई जगह पर इसने अपना लोहा मनवाया, विदेशों में जाकर इसने एयर शोज में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ अमेरिका के जो एयर चीफ, USA की जो एयर चीफ है, उन्होंने भी इसके साथ सॉटी की है और उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ की है। तो बहुत सर, तो ये आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ना बहुत ज्यादा हाइट पे है, ये लो लेवल फ्लाइंग है। ये तस्वीरें देखिए एयर स्मोक छोड़ते हुए पीछे से आवाज को सुनिए, आसमान गड़गड़ा रहा है किलोमीटर दूर हमसे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को सुनना नामुमकिन है इनकी आवाज के आगे। क्या कमाल, क्या प्रदर्शन। और ये देखिए एक और टर्न लेकर आता हुआ एक बार थोड़ा से लगातार सॉटीज करता हुआ और इस बार दूर निकल गया है, इंडियन एयरबेस से दूर जाता हुआ।
हल्का सा मनूवरिंग करता हुआ। सोडी है, आप देखिए कितनी दिलचस्प है। तेजस आप देख रहे हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिजीनियस। ये लगातार आपको आसमान में इस वक्त पे गर्जना करते हुए दिख रहे हैं। रफाल की अगर आप बात करें, कैप्टन गुरकीरत सिंह 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के उसे लीड करते हैं, और अभी हाल ही में एक महिला पायलट को भी जोड़ा गया है, बनारस की महिला पायलट। लेकिन फिलहाल आप फोटोज देख रहे हैं अलग अलग विमानों की। भी जो है स्कालस छोड़ता हुआ और ये देखिए मूविंग। कमाल का प्रदर्शन अब तक अगर आप देखें, अलग अलग विमान रफाल हो चाहे LCA तेजस हो, इसके अलावा Su-30 MKIs हम देख रहे हैं, ये लगातार इस तरह से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं अब तक की बेहद दिलचस्प तस्वीरें अलग अलग विमानों की। ग्राउंड डिस्प्ले दिखा दीजिए तब तक, ये जो ग्राउंड रहेगा तो इसके साथ साथ आप तब तक ग्राउंड डिस्प्ले भी देख सकते हैं जब तक हम आपको लगातार एयर से तो तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो रफाल ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है, खास तौर पर जिस तरह की सॉर्टीज उसने लगाई है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशनल भी किया जा रहा है उसे लद्दाख को लेकर, खास तौर पर जो चार अलग अलग अहम मिसाइल्स हैं। और एक और ये तस्वीर, ये देखिए एक और शानदार तस्वीर। क्या कमाल की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये
ताकत है भारतीय वायुसेना की। अलग अलग विमानों के जरिए आप देख रहे हैं, कोई एक विमान नहीं है सिर्फ, अलग अलग विमानों के जरिए आप ये भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन देख रहे हैं इस वक्त पे। और जो स्काई छोड़े जा रहे हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत। तो लगातार हम आपको जो ग्राउंड डिस्प्ले दिखा रहे थे उसमें रफाल की बात हम आप लोगों से कर रहे थे। रफाल में जिस तरह से मीका, मेटियोर, स्काल और इसके साथ साथ एंड टाइम पे जो भारतीय वायुसेना ने लिए हैमर मिसाइलें, जिनकी ग्राउंड रेंज जो है वो 80 किलोमीटर तक की है, मतलब अगर अंडरग्राउंड भी कोई बंकर होगा, और खासतौर पे टेरेन एडवांटेजेस देखते हुए भारतीय सेना ने एंड टाइम पे इसका फैसला लिया को भी खरीदना है, क्योंकि 2016-17 में जब रफाल की डील हो रही थी उस वक्त पे जब हैमर मिसाइल को लेकर प्रस्ताव दिया गया कि हैमर मिसाइल भी आप इसके एक कॉम्बो पैकेज के तहत ले लीजिए, तो हैमर मिसाइल को उस समय पे भारतीय वायुसेना ने मना कर दिया था क्योंकि उनके पास स्पाइस 2000 बॉम्बर्स उस वक्त पे थे। तो ऐसे समय में ये एक और तस्वीर C-130J नहीं डकोटा, तो ये देखिए कोई ज्यादा आवाज नहीं आसमान में लेकिन उड़ान में भी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं। डकोटा विमान आप देख रहे हैं जो लीड कर रहा है इस पूरे के पूरे त्रिकोण को। इसकी आप अगर एडवांटेजेस के बारे में बातें करें तो जो एरियल रेकी करना होता है, जो अगर आपको दुश्मन के इलाके में जाकर देखना हो कि किस तरह की वहां पर तैयारियां चल रही हैं एरियल रेकी के लिए, ये डकोटा विमान जो है वो आप इसका बेस्ट यूज निकाल सकते हैं। अब निश्चित तौर पर सबको सूर्य किरण का इंतजार होगा। ये देखिए सूर्य किरण, ये देखिए सूर्य किरण टीम उड़ान भरती हुई, और ये सूर्य किरण टीम का ये नजारा आप देखिए, क्या शानदार उड़ान। और इसके साथ साथ एक और सूर्य किरण की टीम, अब आप देखिए सूर्य किरण टीम जो आमतौर पर बहुत ज्यादा लाइक की जाती है इस पूरे के पूरे शो में, कई बार शो स्टीलर भी इसको कहा गया है क्योंकि बहुत दिलचस्प होती है इनकी उड़ान, बहुत खास। और क्योंकि अब सूर्य किरण को हमने देख लिया है तो निश्चित तौर पर अब सारंग का भी इंतजार होगा सबको, सारंग हेलीकॉप्टर्स जिनका अपना एक चार्म है इस पूरे के पूरे शो में, तो निश्चित तौर पर उनका भी इंतजार अब होगा। लेकिन सूर्य किरण की अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये आमतौर पर शो स्टीलर होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन अब जो है वो जैसा हम कह रहे हैं कि ध्रुव के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो सारंग हेलीकॉप्टर्स, रंग बिरंगा फॉर्मेशन उनका भी हमेशा रहता है कलरफुल, और उनका एक अलग चार्म है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम आपको ग्राउंड डिस्प्ले दिखा ही रहे थे लगातार, हम रफाल की बात आपसे कर रहे थे क्योंकि रफाल इस पूरे के पूरे अगर आप एयर शो देखें या फिर इस पूरे के पूरे इस बार के ये जो 88 साल पूरे किए हैं इसमें एक बहुत बड़ा ये एयर शो इसीलिए भी है क्योंकि रफाल आपने इंडक्ट किए हैं, और 10 सितंबर को क्योंकि वो इंडक्ट हुए थे उसके बाद जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार मिसाइलों से उन्हें लैस किया जा रहा है, ऑपरेशनल बनाने की तैयारी, और अभी दो दिन पहले जो एयर चीफ का बयान आया है कि अगर दोनों फ्रंट पे भी लड़ाई खुल जाए तो फिर हम तैयार है पूरी तरह से। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब आपके पास रफाल भी हैं जिन पर आप चार अलग अलग तरह की मिसाइल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, फिर हैमर मिसाइल है, मीका है, स्कैल्प है,